दोस्तों आज हम फिर से कवर करेंगे हॉलीवुड की 10 बेहतरीन बोल्ड मूवीज, जिसमें आपको काफी ज्यादा मात्रा में हवस और कमाल की स्टोरी भी देखने को मिलेगी। ये इस मूवी का पार्ट नंबर 6 है, जिसके और भी पार्ट्स ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको आपकी फैंटेसी से मिलती जुलती मूवी मिल जाए। नंबर 10 पर है वाइल्ड थिंग्स, जो की आई थी 1998 में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी एक हॉट एंड सेक्सी स्टूडेंट काइली की, जिसके साथ उसके स्कूल का एक हैंडसम गाइडेंस काउंसलर टीचर, जिसका नाम होता है सैम, जो की उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, जिसके बाद उसके ऊपर रेप का आरोप लगा देती है। और ये बात कितनी सच है और कितनी गलत, ये आप पता नहीं कर पाओगे जब तक आप इस मूवी को पूरा नहीं देखोगे। इस मूवी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको बार बार सरप्राइज करते रहेंगे। और हाँ, बोल्ड सीन्स तो इतने जबरदस्त हैं जिसे आप बार बार रिवाइंड करके देखना चाहोगे। इस मूवी को IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है अमेरिकन कामासूत्र, जो की आई थी 2018 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी है एक यंग लड़की एशली की, जो की एक राइटर के प्यार में पड़ जाती है, जिसने कई सारे पॉपुलर नॉवेल्स लिखे हैं। और उसके नॉवेल्स इतने दिलचस्प होते हैं जिसे पढ़ पर एशली उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उनके बीच बहुत कुछ होने के बाद कुछ ऐसा सीक्रेट निकल कर आता है जो आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb में काफी कम रेटिंग मिली है, लेकिन जिस चीज के लिए आप इस मूवी को देखना चाहते हो वो सारी चीजें इसमें भर भर के है। ये मूवी अनऑफिशियली हिंदी में डब्ड है, जिसे आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 8 पर है रूम एंड रोम, जो की आई थी 2010 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी है दो अजनबी लड़कियों की, जो की एक ट्रिप के दौरान रोम में एक दूसरे से मिलती है और एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसके बाद रोम के एक होटल रूम में उनके बीच क्या क्या होता है और किस हद तक होता है, ये आपको मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में इंटीमेट सीन्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब हद से ज्यादा हैं। और इस मूवी को IMDb पे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी अनऑफिशियली हिंदी में डब्ड है। नंबर 7 पर है 365 डेज, जो की आई थी 2020 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी एक सेल्स डायरेक्टर लॉरा की, जिसे एक ट्रिप के दौरान एक पावरफुल डॉन किडनैप कर लेता है और उसे 365 डेज देता है उसके प्यार में पड़ने के लिए। तो लॉरा को उससे प्यार होगा या नहीं और वो डॉन प्यार पाने के किस हद तक जाएगा, ये आपको मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी काफी ज्यादा बोल्ड है, जिसकी वजह से इस मूवी को नेटफ्लिक्स में बहुत ज्यादा बार देखा गया है, जिसकी वजह से ये मूवी टॉप 5 के अंदर हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। इस मूवी को IMDb पे 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है और इसका अनऑफिशियल हिंदी डब्ड भी है, जो की आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नंबर 6 पर है टीथ, जो की आई थी 2007 में। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। मूवी में कहानी एक बहुत ही क्यूट लड़की डॉन की, जिसे लगता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ तो ऐसा है की वजह से वो किसी भी लड़के के साथ सेक्स नहीं कर सकती, और अगर करती है तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब वो चीज क्या है, आपको मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी की स्टोरी काफी यूनिक और डिफरेंट है, तो आपको इस मूवी को मिस नहीं करना चाहिए। इस मूवी को IMDb पे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 5 पर है ब्लड ऑरेंज, जो कि आई थी 2016 में। ये एक थ्रिल ड्रामा मूवी है। मूवी में कहानी है एक बिल नाम के आदमी की, जो अपने जमाने का बहुत बड़ा रॉक स्टार था, जो कि अब अपनी जवान और हॉट पत्नी इजाबेल के साथ एक लग्जरी विला में रह रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि बिल का बेटा वहां रहने नहीं आ जाता। हॉट और खूबसूरत इजाबेल को देखकर उसका बेटा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके बाद का थ्रिल और हवस आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb पे 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसे आप YouTube पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 4 पर इट्स अ बॉय गर्ल थिंग, जो कि आई थी 2006 में। ये कॉमेडी रोमांस मूवी है। मूवी में कहानी है नील और वुडी की, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन एक दिन मैजिक से उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, लड़की लड़का और लड़का लड़की बन जाता है, जिसके बाद की कॉमेडी आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी काफी ज्यादा फनी है और इस मूवी को IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप YouTube पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3 पर है क्रैंक, जो कि आई थी 2006 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी में कहानी है एक असिशियन की, जिसको एक जहरीला सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बचने के लिए उसे अपने एड्रेनलाइन लेवल को हाई रखना पड़ेगा, चाहे उसे सेक्स करना पड़े या फिर लगातार भागना पड़े। तो कैसे वो इस कंडीशन में उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। मूवी काफी ज्यादा इंटेंस और पांचवें गियर में भागती रहती है, जिसकी वजह से आप इसे काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जिसे
आप YouTube पे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर दो पर है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जो कि आई थी 2005 में। ये एक एक्शन रोमांस मूवी है। मूवी में कहानी है एक पति और पत्नी की, जो कि किसी तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहते हैं, और वो दोनों कमाल के अशिशियन भी होते हैं जो सीक्रेटली मिशन को पूरा करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, और एक दिन उन दोनों को एक दूसरे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तब क्या होगा आपको मूवी में ही देखना चाहिए। मूवी में बोल्ड सीन्स के साथ जबरदस्त एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी को IMDb पे 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो में भी देख सकते हो, पर वहाँ पे ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर एक पर है ओल्ड बॉय, जो कि आई थी 2003 में। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में से एक है, जिसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग से लगा सकते हो। मूवी में कहानी है एक आदमी की, जिसे कई सालों तक रूम में कैद करके रखा गया होता है। उसको सब कुछ दिया जाता है, पर उसकी आजादी उससे छीन ली जाती है। और एक दिन अचानक उसे फोन, पैसा और महंगे कपड़े देकर छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत अजीब बात है। उसके बाद वो आदमी इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू कर देता है। उसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया था, और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका पता अगर आपको मूवी में ही चले तो ज्यादा बेहतर है। इस मूवी के कई सारे रीमेक भी बन चुके हैं, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और ये एक कोरियन मूवी है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को IMDb पे 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो, पर वहां पर ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी 18+ मूवी की लिस्ट ऊपर आई बटन से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। Prepare to die.